हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल अनाया प्रताप, जहां हम बात करते हैं फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने चैनल पे कोई ब्राइडल मेकअप लेकर आओ जो कि हल्दी, मेहंदी या फिर इन सब से रिलेटेड हो। तो मैं आज के अपने इस वीडियो में जिस मेकअप आर्टिस्ट के साथ में फीचर करने जा रही हूँ, उनका नाम है निकिता शेखावत। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज तक मेरे चैनल पे किसी ने फीचर नहीं करा है। बट आज फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलाबरेट करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने अपनी बहुत कम एज के अंदर बहुत कुछ अचीवमेंट्स किए हैं और मैं आज जिनके साथ में फीचर करने जा रही हूँ, ये एक लैक्मे सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि अपने पूरे वर्ल्ड का जाना माना ब्रांड माना जाता है। तो मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे निकिता शेखावत का। हेलो निकिता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और इसके लिए थैंक यू सो मच कि तुमने अपना इतना प्रीसियस टाइम मेरे लिए दिया। थैंक यू सो मच जीजा, जो आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं आपकी सीरियसली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और थैंक यू आपने मुझे मौका दिया जिससे मैं अपनी स्किल्स लोगों को दिखा सकती हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अपने चैनल के ऊपर मेकअप वीडियो लेकर आओ। राजपूती ब्राइड जो होती हैं वो हल्दी में किस तरह से मेकअप करती हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हल्दी लुक का मेकअप। आज का ये हल्दी लुक का मेकअप एक प्रोफेशनल तरीके से होने वाला है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये आपको बारीकी से मेकअप करके दिखाएंगी कि आपको अपने मेकअप हल्दी के मेकअप के साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेकअप स्टार्ट करने से पहले जीजा, आप एक बार बाल बांध लो सो देट वो फेस पे ना आए और मेकअप अच्छे से हो पाए। ओके, सबसे पहले हमें करना है क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ओके, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को क्लीन करना होता है। अगर आपके पास में कोई वाइप्स हो तो आप वाइप से क्लीन कर लो, या फिर जो गार्नियर का माइसिलर वाटर होता है उससे भी क्लीन करा जा सकता है। जी, अगर ये सब नहीं हो तो आप अपने फेस वॉश उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्लींजिंग और टोनिंग कर ली है, अब हम आपके फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। ठीक है, मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्लींजिंग होती है और उसके बाद में मॉइस्चराइजर यूज़ करना होता है। नहीं, क्लींजिंग, टोनिंग और फिर मॉइस्चराइजर। ठीक है, टोनर हमारे फेस के जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका मेकअप स्मूथ लगता है। अच्छा, आजकल जो तुमने ये राजपूत ब्राइड जो मेकअप करती हैं, तो तुम कुछ उनको कुछ सजेस्ट करना चाहोगी कि वो अपने मेकअप में किस तरह का मेकअप करें, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल न्यूड मेकअप चल रहा है, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि न्यूड मेकअप करवाएं। हाँ, बिकॉज वो टाइम गया जब हम लोग डार्क मेकअप बहुत ज़्यादा क्योंकि आपका लुक भी उसी आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका मेकअप भी न्यूड हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, और थोड़ा लाइट मेकअप हो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। हम यहाँ यूज़ में ले रहे हैं लोटस का फेस प्राइमर, आप फॉरएवर 52 का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है वो भी फेस के लिए। अच्छा, और प्राइमर क्यों यूज़ किया जाता है? सेम ये भी वही काम करता है जैसे कि हम वॉल्स पे करते हैं, तो उसके लिए प्राइमर यूज़ किया जाता है ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आए, अच्छी आ जाए, स्मूथ रहे, इसीलिए हम फेस पे भी यही यूज़ करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं आई मेकअप। उसके लिए मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। ब्राइड को अगर तुम्हें कोई कंसीलर सजेस्ट करना हो तो तुम्हें सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? कंसीलर वैसे आप पर्टिकुलर कंसीलर भी ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास कोई अच्छा फाउंडेशन है उसको भी लगा सकते हो। अच्छा अच्छा, तो लाइट शेड बजट पे डिपेंड होता है ना कि और अगर कोई अगर मेकअप के अंदर बिगिनर है तो वो कौन सा वाला कंसीलर यूज़ करें? वो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मेबलिन और ये सब अच्छी रेंज में आपको मिल जाएंगे। हाँ हाँ, बिगिनर्स के लिए।
इनकी ओढ़नी का शेड पिंक कलर है, तो इनकी ड्रेस को और आई मेकअप को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इनकी आइज़ के लिए रेवोल्यूशन में से ये तीन शेड यूज़ किए हैं, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक। अब हम ग्लिटर लगाने जा रहे हैं इनके आइज़ पे। पहले हम आई मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर पहले करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि मेकअप ख़राब नहीं होता। कुछ लोग बाद में करते हैं, पहले बेस लगा लेते हैं, उससे आपका मेकअप थोड़ा सा ख़राब होने का, बिगिनर्स को ऐसा होता है कि कई बार मैंने देखा है मेकअप ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट किया है। और जब भी हम आई मेकअप करते हैं उसमें ब्लेंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोग मैंने देखा है कि बस आई शेडो पुट कर देते हैं और हो गया आई मेकअप, बट ऐसा नहीं होता। अगर हम दो तीन कलर्स मिक्स कर रहे हैं तो अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए। जब तक ये अच्छे से सेट नहीं होता, सूखता नहीं है, तब तक हमें आईज़ क्लोज ही रखनी है। हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम आईब्रोज करेंगे। सबसे पहले हमने यह कंसीलर से क्लीन किया है, सो दैट अनइवन जो भी आई शेडो था वो क्लीन हो जाए। और अब हम आईब्रो बनाने जा रहे हैं आईब्रो पैलेट से। आफ्टर आई मेकअप हम लोग अब फाउंडेशन लगाएंगे फेस पे, जो कि फॉरएवर 52 का है। और ये हमने इनके स्किन टोन से एक टोन लाइट लिया है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, जिससे यहाँ से फोरहेड से और इन सब जगहों से वो ग्रे होने लग जाता है। इसलिए आप अपना फाउंडेशन बैलेंस करके बनाएं जब भी आप यूज़ करें। निकिता, फाउंडेशन खरीदते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पहले कुछ लोग अपने हाथ पे लेके उसको मैच करते थे,
या फिर उसको अपनी जॉ लाइन पे मैच करना चाहिए या फिर हाथ पे, क्योंकि हाथ की स्किन में और फेस की स्किन में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, तो कहाँ पे बेटर है वो? पर्सनली मुझे ये लगता है कि हम लोगों को फेस पे थोड़ा सा टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्किन काफ़ी अलग होती है, इसलिए फेस ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा अच्छा, तो फाउंडेशन खरीदने के लिए सबसे पहले आपको उसको अपने फेस पे ही टेस्ट करके देखना चाहिए कि उसको हम थोड़ा सा लेकर और जॉ लाइन पे इत लगा के देख लें। यस। अब हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ज़्यादा क्या बेटर रहता है कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए या फिर कोई फाउंडेशन ब्रश? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कुछ मेकअप आर्टिस्ट ब्रश भी यूज़ करते हैं और मुझे ब्लेंडर से मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि वो इवन हो जाता है फाउंडेशन? हाँ, वो इवन कर देता है और जो भी एक्स्ट्रा मेकअप होता है वो अपने आप वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी हम फेस मेकअप करें तो नेक पे भी मेकअप करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम अपने फेस पे करते हैं, क्योंकि अनइवन स्किन लगती है जब हम नेक पे नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको इवन करना इम्पोर्टेंट है। आफ्टर फाउंडेशन हम लोग कंसीलर लगाएंगे ब्रिज ऑफ नोज। जो भी आपके हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं हम वहाँ पे कंसीलर लगाते हैं, जो भी उभरे हुए हैं। अच्छा, आपके फेस के जो शार्प फीचर्स होते हैं उसको हाइलाइट करने के लिए। अब हम लाइनर लगा रहे हैं। लाइनर हमारी आईज को थोड़ा सा बड़ा दिखाने में हेल्प करता है, इससे आंखें बड़ी लगती हैं। और डिपेंड कर रहा है आप कौन सा लाइनर लगा रहे हो। और अभी 2021 में किस तरह का लाइनर ट्रेंड कर रहा है कि भाई उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? कुछ लोग जैसे कैट आईज लगाते हैं, डिफरेंट तरीके भी होते हैं ना लाइनर लगाने के। हाँ, लाइनर लगाने के डिफरेंट तरीके होते तो हैं। तुम इनको ये बताओ कि भाई अगर हम राजपूती पोशाक पहन रहे हैं तो हमें किस तरीके से या फिर किस कौन सी शेप का लाइनर लगाना चाहिए? राजपूती पोशाक पे विंग्ड आईलाइनर इतने अच्छे नहीं लगते, बट हाँ थोड़ा बहुत विंग चल सकता है। लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर लुक नहीं लेके आता हमारी पोशाक के साथ, ओवर लगने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि राजपूती पोशाक के साथ अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा हैवी मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई ब्राइड है तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई करे तो न्यूड मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है राजपूती पोशाक में। ये हमने जो लूज पाउडर लगाया था उसे डस्ट ऑफ कर रहे हैं। अब हम कंटूरिंग कर रहे हैं नोज। अच्छा, नोज को भी कंटूर से शेप दी जा सकती है क्या? हाँ। अगर किसी की थोड़ी सी नोज मोटी हो या फिर हाँ शेप में नहीं हो तो उसे कंटूर करके शेप में लाया जा सकता है। हाँ, कंटूरिंग इसीलिए होता है, वो नोज को शार्प दिखाने के लिए। हमारे फीचर्स को शार्प
दिखाने के लिए। आफ्टर कंटूर हम लोग जो अभी हमने कंटूरिंग की है उसको शार्प करेंगे, इसलिए हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं जहाँ भी हमने कंटूर किया है उसके जस्ट नीचे। अब कंसीलर को अच्छे से हम लोग ब्लेंड करेंगे सो देट अनइवन ना लगे। अब हम ब्रश कर रहे हैं, हमारी कंटूरिंग कंप्लीट हो गई है। ब्रश के बाद में हाईलाइट करेंगे हम। अब हम अंडर आई कर रहे हैं। अब हम काजल लगाएंगे, हमारी अंडर आई हो गई है। अब हम आईलैशेस लगाने जा रहे हैं। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इस मेकअप को फिक्स करने के लिए ये मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे सो देट इतनी जल्दी ये ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग बना रहे।
फाइनली माई हेल्दी लुक इज कम्प्लीट। कहाँ हो निकिता, प्लीज कम हियर। सो फाइनली हमारा लुक कम्प्लीट हो गया है। तो चीज़ें आप बताओ, आपको ये मेकअप कैसा लगा? बिल्कुल, मैंने आज तक, मैं इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे इस मेकअप स्किल को रेटिंग दी जाए तो मैं तुम्हें 10/10 ही देना चाहूँगी। इतना ज़्यादा अच्छा मेकअप लग रहा है और एकदम जो फेस के जितने भी फीचर्स हैं वो शार्प लग रहे हैं, एकदम खिल के आ रहे हैं। वैसे तो आप सब YouTube पे इसको देख ही लोगे कि कितना अच्छा मेकअप लग रहा है। और अगर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है 2021 में, आप लोग शादी करने वाले हैं, आपका हल्दी सेरेमनी अगर है, तो आप लोग भी इस मेकअप लुक से इंस्पायर अपना लुक रख सकते हैं। तो निकिता, तुम मेरे व्यूवर्स को कोई मेकअप टिप देना चाहोगी कि वो अपनी हल्दी सेरेमनी पे क्या करें, क्या नहीं करें, किस तरह का मेकअप लुक रखें? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हो कि जीजा ने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही पूरी ज्वेलरी सेलेक्ट की है। जैसा कि हम लोगों ने ज़्यादा फ्लावर पैटर्न और ये सब नहीं रखा है, तो सब लिमिटेड ही होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसा कि ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर आपने कोई हैवी सूट पहन रखा है, आपकी पोशाक हैवी है, या फिर आपका आउटफिट थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तो आप लोगों को, आपको अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग ही आपका मेकअप होना चाहिए, आपकी ज्वेलरी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हैवी पोशाक है, मेकअप हैवी है और आपकी ज्वेलरी भी हैवी होगी, तो आपके चेहरे के फीचर्स इतने शार्प नहीं दिखेंगे, आप इतने खिलकर नहीं दिख पाओगे। तो आपको निकिता यही सजेस्ट करना चाहती हैं कि थोड़ा लाइट मेकअप रखें और आपकी ज्वेलरी लाइट होनी चाहिए, चाहे आपका आउटफिट थोड़ा हैवी हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस मेकअप लुक निकिता। नहीं, थैंक यू सो मच चीजा, जो आपने अपना टाइम दिया, आप हम लोगों के लिए सेलिब्रिटी हो। थैंक यू, मुझे अपनी स्किल्स दिखाने का, लोगों को दिखाने का मौका मिला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। आज के इस हल्दी मेकअप लुक में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैंने इस मेकअप लुक में जो कुछ यूज़ करा है, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बना लो, सही है, अपनी है रेवोल्यूशन का।
मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का आई पैलेट जो कि मेरी आंखों में ऐसे लगने वाला है। क्या और निकिता, मैं आज द आभूषण के साथ कोलैबोरेट करने जा रही हूँ और जो कि जयपुर का जाना माना ज्वेलरी ब्रांड है। हाँ अभी है ना, जैसे इनकी अगर बनाओ ना तो देखो अभी मेरे को लगा ये फोटो क्लिक मेरे ब्रश का है। मुझे तो आप मेरे ब्रश नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हल्दी है।